This video is sponsored by V-Card. आप क्या कहना चाह रहे थे? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से महामंत्री का चुनाव लड़ना चाहते थे, एबीवीपी का टिकट लेने के लिए 50,000 रुपए लेके गए थे, बैनर चाहते थे वीवीपी का। ये इस पे देखिए, इस तरह के आरोप सुनिए नहीं, देखो ये व्यक्तिगत, देखो ऐसे बातों का मुझे नहीं मालूम है कि कौन टिकट। वैसे मुझे ये पता चल गया कि तुम चुनाव लड़ना चाहते थे और तुम्हें टिकट मिलने में कुछ आड़े आया। आप कौन संगठन क्या मुझे नहीं मालूम। चुप नहीं रहा हूँ, गलत बात है। मैं जो अरे नहीं भाई, हम प्रधानमंत्री कह रहे हैं, चलो कोई बात, ये दोस्त क्या है, वो ठीक वैसे दोस्त है जैसे राहुल के ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। हाँ जी बताइए। तो मजेदार बात होती रहती है जनता से जब आप बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर दिलशाद हुसैन जाफर है। आपसे हमारी मुलाकात पहले भी है क्या? जी जी। कुछ चेहरा आपका जाना। तो दिलशाद जी, खुश हैं आप, उदास हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं कि अभी उम्मीद सुबह अभी बाकी है? नहीं नहीं, बीजेपी से हम खुश हैं। बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो सभी धर्मों को मिल रही हैं, चाहे उसमें राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार वाटर हीटर्स के संग। वीगार, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है। उसमें जो योजनाएं सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसमें ये योजना में कहीं नहीं लिखा होता है कि ये जो योजना है वो मुस्लिम के लिए है या ईसाई के लिए है। आप समझ रहे हैं, देश का मुसलमान आमतौर पर समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, 50% से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट करते हैं। आप बीजेपी में तो नहीं है? मैं बिल्कुल बीजेपी में हूँ। मैं सवा लाख लोगों को बीजेपी में लेकर भी आया हूँ। किस पद पर? मेरे पास अभी बीजेपी का कोई पद नहीं है, लेकिन मैं डोर टू डोर जा करके बीजेपी में बहुत लोगों को लेकर आया हूँ। एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का बीजेपी से वही रिश्ता, आदित्यनाथ जी का बड़ा फेमस कोट है, उनसे पूछा गया आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, उन्होंने कहा जो मुसलमानों का मुझसे है वही मेरा उनसे है। तो इसका तो जो आप बात कह रहे हैं, यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग बात आपकी बात पर ये यकीन करना कि 50% मुसलमान बीजेपी के साथ आ गए हैं, मुझे लगता है शायद मैं भी और ये सारे लोग नहीं मानेंगे। सर देखो, इतनी बड़ी जीत है हर स्टेटों में, पहले भी तो वहाँ तो मुसलमान वोट कितने हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में? सर जहाँ है तेलंगाना में वहाँ तो बीजेपी का देखा। राजस्थान में एक मंत्री सर, का एक अभी मंत्री का स्टेटमेंट था कि सॉरी अभी एक MLA का चुनाव को लड़े थे, नॉनवेज की दुकान बंद कर रहा है। नहीं वो उनका बात नहीं कर रहा हूँ, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि इस बार हमें मुसलमानों ने हराया। वो कांग्रेस के विधायक थे कि इस बार हमें मुसलमानों ने हराया। ठीक है, जो एजुकेटेड हो रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो अपनी चीज़ समझ रहे। कांग्रेस ने क्या किया, एक्चुअली हमेशा आरोप तो लगा कि बीजेपी ने बांटा है, हमेशा ये बोला जाता है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण किया, एक एक चीज़ को बढ़ावा दिया और एक चीज़ को कुचलने का काम किया। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे दिशा जी? भैया मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो वो सब लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, सब लोग बीजेपी को चाह रहे हैं और सब लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और जो योजनाएँ मोदी जी ला रहे हैं ख़ास तौर से, वो योजनाएँ पब्लिक को पसंद आ रही हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे हमारा तो एकदम सार्वजनिक मंच है, जिसको जो बोलना, राजीव जी मैं देखता हूँ डेली प्रोग्राम आपका, बहुत शुक्रिया। और सिर्फ मैं सबसे आग्रह यही करता हूँ कि चूंकि ये कार्यक्रम टेलीविजन पे जाता है तो ऐसे मर्यादित और गरिमा को रखना चाहिए, इतने सार्वजनिक मंच पर जाता है, आप शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए ताकि मुझे एडिट ना करना पड़े। आप जो बोले वो सब कुछ बिल्कुल जनता का विचार लोगों के सामने जाए, इसकी कोशिश मैं करता हूँ। आप बताएं, मगर प्रश्न क्या है आपका जिस पे आप ये गोष्ठी आपने कर रहे हैं? वही तो अभी शुरू किया, आप थोड़ा ले से आए, यहाँ दुकान बहुत पहले से सजी है। तो मैं ये पूछ रहा, तीन राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद देश में एक चर्चा चल रही है और सही भी चल रही है कि मोदी जी का मैजिक चला, मोदी की गारंटी चली, मोदी की अभी लहर चल रही है, 24 में सुनामी चलेगी। दूसरी तरफ अब कांग्रेस थोड़ा पीछे जा करके इंडिया गठबंधन के नेताओं को फोन कर रही कि आओ बैठा जाए, आगे कैसे लड़ेंगे। अभी जब तीन राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो उनको इंडिया गठबंधन का याद नहीं आया। तो क्या आम जनता को क्या लगता है कि आगे की राजनीति किस तरफ जा रही? दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड।